हाय स्टूडेंट्स, डाउटएक्स के इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के उन डाउट्स की जो स्टूडेंट्स ने doubtx.physicsgalaxy.com पे पोस्ट किए हैं। क्विकली मैं उन क्वेश्चंस को भी लूंगा जो स्टूडेंट ने पोस्ट किए हैं, ताकि उनके डाउट्स भी क्लियर हों और ये वीडियो सबके लिए बेनिफिशियल रहे, इसलिए मैं उसका एनालिसिस भी कई और तरीके से करूंगा, ताकि जो भी स्टूडेंट जेई मेन या जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी कॉन्सेप्चुअल बेनिफिट हो, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को लूंगा। लेकिन लूंगा मैं बहुत क्विकली, क्योंकि जो हमारी हैबिट रहती है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कवरेज हो, दैट आई एम गोइंग टू कीप इट। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि ये वीडियोज जो डिस्कशन के हैं आपको फिजिक्स गैलेक्सी ऐप में अवेलेबल हो जाएंगे और साथ ही फिजिक्स गैलेक्सी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। फिजिक्स गैलेक्सी वेबसाइट और ऐप का रीमॉडलिंग चल रहा है, मुझे भी टाइम कम मिलता है तो टीम काम कर रही है, बट आई थिंक जल्दी हो सकता है, एक वीक, दो वीक, तीन वीक में ये रीमॉडलिंग पूरी होगी, तो आई थिंक एक बेटर एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं विद सम डाउट्स जो स्टूडेंट ने पोस्ट किए हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पोजी से फर्स्ट डाउट को ओपन करें। थैंक यू भाजी। सो स्टूडेंट, जो फर्स्ट डाउट है आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक डिस्क है जिसके ऊपर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके सामने एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है जो अभी पोजी ने ओपन किया। और क्वेश्चन पूछा था शिवम मिश्रा ने, जिसने पूछा था वाइल कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एन इनफाइनाइट शीट, वी पुट द रेडियस ऑफ डिस्टेंस टू इनफाइनाइट एंड वी गेट द रिजल्ट, वाई डोंट वी अज्यूम दैट फॉर इनफाइनाइट शीट डिस्टेंस बिटवीन द डिस्क एंड पॉइंट वी कैन कीप इट टू जीरो एंड कैलकुलेट द रिजल्ट। तो मैं क्विकली आपको ये बता रहा हूँ कि एक डिस्क की वजह से अगर सर्फेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा रेडियस आ रहा है, तो एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सप्रेशन से दिया जा रहा है। अगर हम इस डिस्क की रेडियस को आर को टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दें, तो ये इनफाइनाइट शीट बन जाएगी। आप सोचिए, ये वाली जो डिस्क है ये बड़ी होते होते एक शीट की तरह से बिहेव करेगी, और यहाँ पर अगर आर को इनफाइनाइट सब्सटीट्यूट कर देते हैं, केस वन ले लीजिए यहां पे, अगर हम R को इनफाइनाइट सब्सटीट्यूट करते हैं, तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, ये टर्म जीरो हो जाएगी एंड वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। दैट्स एब्सोल्युटली राइट जो शिवम ने बताया। लेकिन यही रिजल्ट हम तीन तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, इस बात को ध्यान से समझिए। इस केस के अंदर एक तो हमने क्या किया, आर को इनफाइनाइट पे अप्रोच करा दिया, तो ये इनफाइनाइट शीट बन गई। लेकिन अब इस एक्स की हम बात करें और इस एक्स को हम जीरो कर दें, यानी ये वाला जो पॉइंट पी है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया, इसको इतना पास लेके आ जाए इस पी पॉइंट को कि यहाँ पे एक्स टेंडिंग टू जीरो हो जाए। केस टू लेते हैं अपन, जिसमें एक्स को टेंडिंग टू जीरो कर दिया। एक्स अगर टेंडिंग टू जीरो है, तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट इस डिस्क की सरफेस के बहुत ही क्लोज वेसिनिटी में आ जाएगा। आप अगर फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 3 ए बुक में देखेंगे, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है कि अगर ये बहुत पास आ जाता है, तो इस पॉइंट के लिए डिस्क एक इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो आर है, दिस विल बी बिहेविंग लाइक वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स। सो इस केस के अंदर अगर यहाँ पे x को टेंडिंग टू जीरो डाल दें, तो ये न्यूमरेटर जीरो होते ही वापस देखिए आप, वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दोनों तरीकों से रिजल्ट वही आ रहा है। तो जो बात शिवम ने पूछी है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है कि हम यहाँ पे पी के डिस्टेंस एक्स को टेंडिंग टू जीरो करेंगे तो भी आ जाएगा, और फिजिक्स गैलेक्सी बुक के अंदर ये दोनों तरीके दिए गए हैं, यू कैन अप्रोच टू इट। तीसरा एक पॉइंट और ले लें कि अगर आर को इनफाइनाइट कर दिया जाए, यानी आर बहुत बड़ा कर दिया जाए, लेकिन अगर यहाँ पे एक्स की बात करें, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर यहाँ पे एक्स को आर से बहुत बड़ा कर दें तो क्या होगा। दिस इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल ऑफ यू, जो मेरी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन है सोचने के लिए, कि अगर इस एक्सप्रेशन में मैं एक्स को वेरी वेरी ग्रेटर देन आर कर दूं तो क्या होगा, क्योंकि सोचना बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट जी एडवांस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पे थिंकिंग और रीडिंग बहुत मैटर करती है। देखो, अगर एक्स को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया, आर को बहुत छोटा कर दिया, तो आप यहां पे देख सकते हैं क्या होगा, आर टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा और एक्स बाई एक्स निकल के क्या आ जाएगा, दिस गोइंग टू बी 1, क्योंकि R को हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर R नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये X बच जाएगा, X बाई एक्स इज 1, 1 माइनस 1, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल के आ जाएगा 0। सो हमने X को R से बहुत बड़ा किया, जबकि प्रैक्टिकल कंडीशंस के अंदर होना क्या चाहिए, प्रैक्टिकल कंडीशंस के अंदर अगर R टेंडिंग टू 0 है, तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो एक पॉइंट चार्ज का रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि X बहुत दूर कर देते हैं। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इन दैट केस यहाँ पे दिस डिस्क शुड स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज, और उस पॉइंट चार्ज की वजह से पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई एक्स स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर निकल के आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टेंडिंग टू जीरो आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन जी एडवांस में आता है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। डायरेक्टली आप जो ये करते हैं ना, आर अगर बहुत छोटा है, तो आर स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से नेगलेक्ट कर दिया, ये काम नहीं चलेगा। इस बार भी क्वेश्चन था, उसके बारे में बाद में देखते हैं, इसको हम क्या करेंगे, आंसर मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अब तक बहुत स्टूडेंट ने सोच भी लिया होगा। सो दिस कम्स आउट टू बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, आप क्या करें, एक्स को कॉमन ले लीजिए, सो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी रूट ऑफ 1 माइनस
आर बाई एक्स का होल स्क्वायर, और इस रूट को भी हम क्या करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो इसकी पावर को हम कर देते हैं माइनस वन. नाउ दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स को कॉमन लिया, ये क्या बन गया, वन प्लस आर बाई एक्स का होल स्क्वायर. नाउ इन दिस सिचुएशन आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, इस कंडीशन के अंदर ये जो माइनस वन बाई टू क्योंकि रूट था, तो इस कंडीशन के अंदर अब क्या हो रहा है, क्योंकि x बहुत बड़ा है, दिस वेरी स्मॉल, सो नाउ यू कैन अप्लाई बायनोमियल 1 प्लस r बाय x होल स्क्वायर टू पावर माइनस हाफ, दिस माइनस हाफ कैन बी टेकन इन. सो और रिजल्ट अब अपने पास जीरो नहीं आएगा. आप देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, e निकल के आ रहा है, दिस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस हाफ अंदर ले लेंगे, सो दिस विल बी 1 बाय 2 ऑफ r स्क्वायर बाय x स्क्वायर. देयर इज एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट यू आर गेटिंग, दिस सिग्मा r स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर. ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो रिजल्ट शायद आपने अभी तक कहीं देखा ही नहीं है. और अगर इस रिजल्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, क्योंकि इस डिस्क का जो चार्ज होगा वो क्यू क्या होगा, ये होगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर. और अगर ये बहुत दूर है पॉइंट पे और ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रही है, तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज का रिजल्ट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, यानी सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. आप देखें यहाँ पे पाई कैंसिल हो गया, रिजल्ट वो का वही निकल के आ रहा है जो हमने इस रिजल्ट से भी अप्रोच कर लिया. सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट मैंने सिर्फ डिराइव करे, आप सिर्फ वेरीफाई कर सकते हैं. ये जो रिजल्ट हमने पहले पढ़ा है, दिस वैलिड फॉर ऑल द केसेस विच आर वी कैन थिंक अपॉन. तो शिवम ने क्वेश्चन पूछा, मैंने थोड़ा एड ऑन एनालिसिस कर दिया है. ऐसे एनालिसिस करने से अब स्टूडेंट को लगेगा क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि आपका दिमाग ओपन होता है, नई नई सिचुएशंस को सोच सकते हैं, और कई तरीके से आपको बेनिफिट होता है कि आप डिफरेंट सिचुएशंस के लिए अगर हैबिचुअल हैं तो वो सारी सिचुएशंस पे बेस्ड अगर कभी भी कोई क्वेश्चन बनते हैं आपने रीवेरीफिकेशन करें, तो ये सारी चीज़ें आपको जी एडवांस लेवल पर बहुत हेल्प करती हैं. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. पोजी प्लीज क्लियर करें. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अभिनव कुमार ने भेजा है, और क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू अ मेटल स्फीयर के इस पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, एंड डिफरेंट कंडीशंस में अगर अर्थिंग की जाए तो अर्थिंग से मल्टीपल स्फीयर्स में भी कैसे चार्ज आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वुड लाइक कि आप सब लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा. अगर एक मेटल स्फीयर की बात करते हैं तो पहली चीज़ मेटल स्फीयर के बारे में ऑल ऑफ यू नो, जितना भी चार्ज इसको दोगे पॉजिटिव दिया तो वो सारा इसकी सरफेस पर आ जाता है. और इसका रीज़न सबको क्लियर होना चाहिए, मैं एलिमेंट्री लेवल से ही ले रहा हूँ, क्योंकि स्टैटिक चार्जेस में यहाँ बात कर रहे हैं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन जीरो. दैट्स अ वेरी कॉमन पॉइंट कि स्टैटिक चार्जेस के केस में अंदर फील्ड जीरो रहना चाहिए. तो चार्जेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं स्फीयर पे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, और कंडीशन होती है कि पूरे के पूरे सिस्टम का पोटेंशियल, पूरे के पूरे स्फीयर का मेटल बॉडी का पोटेंशियल कॉन्स्टेंट हो, यानी इसके अंदर हर जगह पोटेंशियल कॉन्स्टेंट रहता है. अब बात करें, कोई एक दूसरा स्फीयर लाया जाए, यहाँ पे एक छोटा स्फीयर है जिसकी रेडियस कम है, जिससे आर टू और ये रेडियस आर वन है, और ये काफ़ी डिस्टेंस पे रखा है, और इसको एक मेटल वायर से जोड़ दिया. तो सबको पता है तब तक इनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, बिकॉज सेम पोटेंशियल स्टेट इज़ द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टेट, जिसके बाद फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता. और ये भी क्लियर है कि यहाँ पे करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने से यहाँ पे चार्जेस का ट्रांसमिशन होगा, और किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, दैट्स क्वाइट ऑब्वियस, यानी यहाँ पे कुछ हीट निकल जाएगी, तो फाइनल स्टेट में ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी. सीधा सा लॉजिकल फंडा है. तो फाइनली हम ये कह सकते हैं V1 इक्वल्स टू V2 हो जाएगा, चार्जेस हो जाएंगे Q1 Q2. आप लिख सकते हैं KQ1 by R1 is equals to KQ2 by R2. दिस गिव्स टोटल चार्ज अपॉन R1 प्लस R2. तो इस फॉर्मूले से आपके पास Q1 Q2 डायरेक्टली निकल रहे हैं. K को मैंने काट दिया, या न्यूमरेटर सम कर दिए, डिनोमिनेटर सम कर दिए, डायरेक्ट कैलकुलेशन है, चीज़ों को दिमाग में बैठा के रखें. तीसरा स्फीयर आएगा तो सेम एक और कंडीशन आ जाएगी Q3 में और चले जाएगा. और आप यहाँ ये भी देख सकते हैं जो चार्जेस हैं वो इनकी जो रेडियस होगी इस पर डिपेंड करेंगे. पोटेंशियल सेम होने की वजह से चार्जेस रेडियस के प्रोपोर्शनल हो जाते हैं. और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो चार्ज अपॉन 4πr² होता है. तो अगर इस पर चार्ज डेंसिटी σ1 है और इस पर σ2 है, तो आप निकाल के देख लीजिए यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी, σ1 विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा अपने आप, क्योंकि ये होगा क्यू अपॉन 4πr² और क्यू प्रोपोर्शनल टू r, σ1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r1, σ2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r2, एंड सो ऑन. ये रिलेशन बन जाएंगे चाहे जितने स्फीयर्स आपस में कनेक्टेड हो. बट ये कंडीशन तब है जब इस वायर की लेंथ ज़्यादा है. जब ये वायर पास होगा तो इसका जो चार्ज है वो इसके ऊपर पोटेंशियल इंपैक्ट डालना शुरू करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, चार्ज इंडक्शन होगा और चार्जेस सेपरेट होंगे.
चार्ज इंडक्शन को इन डेप्थ में नहीं ले रहा हूँ, चार्ज इंडक्शन अगर आप डेप्थ में लेना चाहें फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में बहुत डिटेल में शुरू के 3 पेज चार्ज इंडक्शन के बारे में दिए हुए हैं, आपको पूरे फंडे क्लियर हो जाएंगे। चार्ज इंडक्शन का बेसिक लॉजिक मैं बता देता हूँ, अगर इन दोनों स्फीयर्स को पास लाया जाए यानी इस वायर को छोटा कर दिया जाए तो इसका पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को पुश करेगा, यानी यहाँ सामने चार्ज कम हो जाएगा पीछे पॉजिटिव बढ़ जाएगा, और इसके पॉजिटिव से भी इसका पॉजिटिव पीछे पुश होगा, यहाँ चार्ज कम होगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। This type of scenario is going to take place, लेकिन ये तब तक distribution होगा जब तक E0 इसके अंदर E0 और potential V1 equals to V2 hold नहीं करे, लेकिन उसके बाद हम KQ/R relation hold नहीं कर सकते। ये ध्यान रखिएगा, ये relation will be valid only if L is very very greater than R1 and R2, और L क्या है, इन दोनों के बीच का separation है। अगर ये L वेरी वेरी ग्रेटर देन R1 R2 है तो ही ये रिलेशन हम होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज ये रिलेशन हम होल्ड नहीं कर सकते। दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम अर्थिंग की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है समझना, किसी भी बॉडी को अगर मेटल बॉडी को अर्थ से कनेक्ट किया जाता है, सो अर्थ इज अ वेरी लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अर्थिंग के सारे कॉन्सेप्ट पे जाने की जरूरत नहीं, बट क्विकली आप ये समझ लीजिए स्फीयर की अर्थिंग करेंगे तो दिस अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। जैसे यहाँ पे एक बड़े स्फीयर को छोटे स्फीयर से कनेक्ट किया है, उसी तरह से एक बहुत बड़ा कंडक्टिंग स्फीयर है और इस कंडक्टिंग स्फीयर को इस छोटे स्फीयर से कनेक्ट किया, तो यहाँ पे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, और अर्थ का पोटेंशियल हम बहुत बड़ा स्फीयर होने की वजह से 0 मान के चलते हैं, और अगर इसका हम पोटेंशियल 0 मानते हैं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द सिचुएशन इफ इट इज 0, सो इसका भी फाइनल पोटेंशियल 0 होना चाहिए। यानी अगर इसके आसपास कोई चार्ज रखा जाए प्लस क्यू तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, तो अर्थ इसको नेगेटिव चार्ज दे देगी ताकि इसका पोटेंशियल डिक्रीज होकर 0 हो जाए, यानी इसके ऊपर क्यू ही चार्ज आ जाएगा, सच दैट इज पॉजिटिव क्यू की वजह से अगर यहाँ पे पोटेंशियल V1 है तो इस QE की वजह से जो इसका खुद का पोटेंशियल हो वो एग्जैक्टली -V1 हो ताकि दोनों का सम 0 हो जाए। तो आप ये ध्यान रखें, किसी भी सिस्टम को अर्थ से कनेक्ट किया जाता है तो फाइनल पोटेंशियल ऑफ सिस्टम बिकम 0, और उस सिस्टम का चार्ज निकालना हो तो आप इजीली निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं KQE/R प्लस पोटेंशियल ड्यू टू एनी एक्सटर्नल सोर्स शुड बी 0, यहाँ से आपके पास QE का वैल्यू निकल के आ जाएगा। किसी भी तरह के अर्थिंग सिस्टम को सिर्फ इस एक इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर अर्थिंग सिस्टम एक स्फीयर अर्थ से कनेक्ट किया गया, क्योंकि KQE/R जो फॉर्मूला है ये सिर्फ सॉलिड मेटलिक स्फीयर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और इसमें भले ही चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्यों ना हो ये फॉर्मूला तब भी काम करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जितने भी चार्जेस हैं वो इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे हैं और पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो एक मेटल स्फीयर पे चार्ज यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, इन बोथ द कंडीशंस जो फार्मूला KQ/R है दिस विल रिमेन वैलिड, दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। सो इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिमाग में रखें। और अभिनव का ये क्वेश्चन था जो मेरे सामने लिखा हुआ है, सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी, आई होप अभिनव को कम्फर्ट मिल गया होगा, फिर भी अगर कुछ केसेस लगते हैं तो आप रिपोज कीजिए, आने वाले वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा चीज़ों को कवर करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, पोजी प्लीज़ क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन एच सी वर्मा में दिया हुआ है, मैं बुक के नाम सच नहीं ले रहा हूँ, बट स्टिल मैं क्वेश्चन इसलिए प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट देख रहा हो इन वीडियोस को सर्टेनली उसे ओवरऑल टॉपिक की नॉलेज में बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये क्वेश्चन अनिमेश अग्रवाल ने पूछा है, और क्वेश्चन में एक आ गया, किसी भी एक पॉइंट है जिस पे ई और वी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और चार चॉइसेस दी गई हैं, हमें इन चार चॉइसेस को एनालाइज करना है। सो हमेशा एक एमसीक्यू के बारे में इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी चार चॉइसेस दी जाती हैं और ये वन और मोर देन वन चॉइस करेक्ट का क्वेश्चन होता है तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हर चॉइस को इंडिपेंडेंटली एनालाइज करना है। अगर आप जेई एडवांस 2020 के पहले मैंने जो स्ट्रेटजी रिलीज करी थी उसमें बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली ये बात बताई थी कि आप मोर देन वन चॉइस करेक्ट क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करें, वो तरीका बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑल्दो 2021 स्टूडेंट्स के लिए काफी सारी और चीजें टाइम के साथ मैं बताऊंगा, अभी हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ ई इज इक्वल टू 0 वी मस्ट बी 0। पहली चीज तो आप ध्यान में रखें, देखते ही स्ट्राइक होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो ई 0 होने से वी 0 होना जरूरी नहीं है। अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं प्लस क्यू और प्लस क्यू तो इसके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और वी नॉन 0 होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हम ये कह सकते हैं कि गलत है, वी मस्ट बी 0 इज नॉट नेसेसरली अ पॉइंट।
नेक्स्ट देखें, हमको कोई एक कंडीशन देखनी है तो अपने आप ये वेरीफाई हो जाएगा सही है या गलत है। इफ v इज इक्वल टू जीरो ई मस्ट बी जीरो, तो ये कंडीशन ले लेते हैं। अगर यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ माइनस क्यू है तो मिड पॉइंट पे अपोजिट चार्जेस होने की वजह से यहाँ पोटेंशियल जीरो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव सेम डायरेक्शन में है तो हम यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा। सेम अगर थर्ड ऑप्शन पे चलें, ई नॉन जीरो है, वी कैन नॉट बी जीरो। सो हम ये देखें ई नॉन जीरो है बट यहाँ वी जीरो है, तो यही कंडीशन इसको रॉन्ग प्रूव कर रहा है। तो ये रॉन्ग है तो ये अपने आप ही रॉन्ग हो गया कि अगर ई नॉन जीरो है तो वी कैन नॉट बी जीरो। नो, दिस नॉट पॉसिबल, वी कैन बी जीरो। सो अपने आप देखिए तो सेकेंड और थर्ड पॉइंट अपने आप में ही कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं कि अगर ई नॉन जीरो है तो वी कैन नॉट बी जीरो, अपने आप सेकेंड पॉइंट रॉन्ग है तो थर्ड अपने आप ही गलत हो गया। अगर डी को देखें, इफ वी इज नॉन जीरो ई कैन नॉट बी जीरो, तो यहाँ आप देखिए वी नॉन जीरो है लेकिन ई जीरो है, तो चारों ही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे गलत हैं। सो ये इंपॉर्टेंट था, निमेश ने ही पूछा था कि ये चारों गलत क्यों हैं। मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं लिया है कि आपको ई और वी के केसेस बता सकूँ, ये इसलिए लिया है आपको समझाने के लिए कि किसी भी ऑप्शन को गलत प्रूव करने के लिए जब ये टर्म लिखी होती है ना, मस्ट या कैन नॉट, ये बात बहुत ध्यान से देखेंगे। ये मस्ट और कैन नॉट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना के रिलीज करूँगा जल्दी। और ये मस्ट और कैन नॉट को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। मस्ट और कैन नॉट का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपको कोई एक केस ऐसा ढूंढना है जिसके अंदर ये चीज फिट नहीं हो रही, दैट मींस वी आर एबल टू प्रूव इट कि ये गलत है। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्विकली मैंने तीन स्टूडेंट्स के डाउट लिए, बहुत जल्दी कल वापस से कुछ और स्टूडेंट्स के डाउट लेंगे और सिलसिला चालू रखेंगे। और आप भी अपने डाउट्स को पोस्ट करें, धीरे धीरे होगा लेकिन जो वीडियोज़ हैं ये सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। और कोशिश करूंगा मैं कि और हाई फ्रिक्वेंसी पर वीडियो बना सकूँ। विश ऑल द बेस्ट।